गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हमें गॉडजिला के अलावा बहुत सारे नए टाइटन दिखे। कुछ टाइटन का रोल ज्यादा था तो कुछ टाइटन हमें सिर्फ तबाही मचाते दिखे। तो चलिए इस वीडियो में हम बेहेमोथ टाइटन की हिस्ट्री और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते। ये एक इंटरेस्टिंग टाइटन है जो बाकी टाइटन से काफी अलग है। इसकी बॉडी भी बहुत यूनिक है जो किसी मेमथ से मेल खाती है, इसीलिए शायद इसे बेहेमोथ का नाम दिया गया होगा। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के नोवेलाइजेशन में बेहेमोथ को मैपिंगुअरी अल्टरनेट नाम दिया गया है, जो एक ब्राजीलियन क्रिप्टिड में मेंशन किया गया है और एक जायंट स्लॉथ के साथ रिसेंबल करता है। बेहेमोथ को ओरिजिनली जायंट मेमोथ की तरह बनाने का सोचा गया था, जिसके दो बड़े टस्क होंगे और बड़े से लेग्स भी, लेकिन फिर इस डिजाइन को ड्रॉप कर दिया गया। फिर उसकी बॉडी को एक स्लॉथ की तरह बनाया गया और पिछले डिजाइन से उसके बड़े दो दांतों को लिया गया। बेहेमोथ एक मैमेलियन क्रिएचर है जो जायजेंटिक स्लॉथ को रिजेंबल करता है। उसकी बॉडी एक एप की तरह है जिसमें दो बड़े आगे के हाथ है और दो छोटे पैर भी। अपने फोर लिम्स की मदद से वो एप की तरह चलता भी है। बेहेमोथ के सबसे नोटेबल दो बड़े दांत है जो मेमोथ से इंस्पायर है। बेहेमोथ के बॉडी पर लाइट ब्राउन कलर के फर है और उसके ट्रस्ट पर हरे कलर की अलगी भी हमें दिखी। बेहेमोथ के बैक पर ट्रायंगुलर शेप का स्पाइक भी है। ये एक बहुत ही टॉल और बड़ा टाइटन है जो स्टैचर के मामले में गॉडजिला से पीछे नहीं है। बेहेमोथ को मोनार्क ने ब्राजील में डिस्कवर किया था और फिर बाकी के टाइटन की तरह ही वहाँ भी एक आउटपोस्ट बनाई गई। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के ऑफिशियल नोवेलाइजेशन में मोनार्क एजेंट मारी को बताती है कि बेहेमोथ की कुछ केव पेंटिंग उन्हें मिली है जो लगभग 12,000 साल पुरानी है। बेहेमोथ बाकी के टाइटन की तरह ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गिडोर के कॉल से अपनी गहरी नींद से उठता है। गिडोर के कॉल को रिस्पॉन्ड करने की वजह से मोनार्क ने बेहेमोथ को टर्मिनेट करने की कोशिश की, लेकिन एजेंट मारिको ने इस आउटपोस्ट के किल स्विच के पावर को कट कर दिया था। मारिको को बेहेमोथ एक इंटरेस्टिंग टाइटन लगता था और वो बेहेमोथ को और स्टडी करना चाहती थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही बेहेमोथ अपने नोजल से ब्लू फायर छोड़ता है और आउटपोस्ट से बाहर निकलकर शहर में तबाही मचाने लगता है। बॉस्टन को जाने से पहले बेहेमोथ रियो डी जनेरो पर अटैक करता है। बॉस्टन पहुंचने के बाद बेहेमोथ भी बाकी टाइटन की तरह ही गॉडजिला को अपना नया किंग मानता है और उसके सामने झुकता भी है। बेहेमोथ के दो बड़े दांत है जो मेमोथ की तरह है। इन दांतों की मदद से वो सामने की किसी भी स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। उसके दांत उसके लिए एक हथियार की तरह ही काम करते हैं। बेहेमोथ जहाँ से भी गुजरता है वहाँ वो अपने रेडिएशन के मदद से जंगल को रिस्टोर कर सकता है। जब वो बॉस्टन जा रहा होता है तब न्यूज चैनल ने रिपोर्ट किया था कि बेहेमोथ जहाँ से भी गुजर रहा है वहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट फिर से बढ़ गया है। बेहेमोथ के मल को एनर्जी रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में ऐसा टाइटन तो हर कोई चाहेगा जिसके हगने पर भी एनर्जी मिलती है। बेहेमोथ ने जब अपने नोजल से ब्लू फायर इमिट की थी तब पूरी आउटपोस्ट तबाह हो गई थी, लेकिन उसके फर को कुछ भी नहीं हुआ था, जो उसके ड्यूरेबिलिटी को दर्शाता है। बेहेमोथ के फर उसके बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको बेहेमोथ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और गॉडजिला रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन से मॉन्स्टर और टाइटन को देखना चाहोगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And